आप अभी यंग हैं, बैचलर हैं, वहाँ एक नागा लड़की से आपको प्यार हो जाता है जी सर। और इट्स अ कंप्लीट लव, आप चाहते हैं उससे शादी हो, वो चाहती है आपसे शादी हो, आपने भाषा सीख ली है, आपको कन्वर्स करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है वहाँ। अब समस्या ये है कि जब ये प्रस्ताव आप अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, जो कि राजस्थान के एक एग्रीकल्चरल क्षेत्र से आते हैं, वो साफ मना कर देते हैं कि तुम्हें चुनना है इस लड़की के बीच में और हमारे बीच में, ना हम उस लड़की का भाषा जानते हैं, ना उसकी वेशभूषा, बड़ा वेस्टर्नाइज ड्रेस पहनती है, वेस्टर्न आउटफिट्स पहनते हैं वहाँ लोग, बर्मीज ड्रेस पहनते हैं, आभूषण भी काफ़ी पहनते हैं, ये पसंद नहीं है। और आपको चॉइस है कि क्या करें, अब अपने लव को चुने आप या अपने पेरेंट्स को चुने, अपने कर्तव्य को चुने, देयर इज अ क्लैश बिटवीन योर लव एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या चूज करेंगे आप और क्यों? सर सबसे पहले तो मैं इसमें बातचीत का विकल्प चुनूंगा। वो कहते हैं ना कि बात करने से ही बात बनती है, तो जो मेरी प्रेमिका है सर, मैं उसे कुछ ऐसे शब्द मेरी भाषा के सिखाऊंगा, क्योंकि वो तो यंग है सर, वो सीख सकती है। वो नहीं, नहीं सीखना चाहती है, बोलती मेरी नहीं सीखूंगी तुम्हारी भाषा। नहीं, भाषा मैं सीखने का नहीं कह रहा हूँ, वो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कम्युनिकेट करेगी सर। डेफिनेटली वो मेरे से प्यार करती है, उसके साथ मेरे साथ रहना चाहती है, तो उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेरे माता पिता के साथ बात करे और उन्हें थोड़ा सेटिस्फेक्शन दे, क्योंकि वो सर बुजुर्ग हैं अभी, उनके समझने की जो प्रोसेस है वो उतनी अधिक नहीं होगी जितना वो यंग के तौर पर समझेगी। तो उसे कुछ ऐसी चीज़ें मैं उस ऐसी भाषा में कुछ ऐसे वर्ड सिखाऊंगा ताकि वो जब मेरे माता पिता से कम्युनिकेट करे तो उन्हें अच्छा महसूस हो। दूसरा सर, अगर मैं उससे मिलाने के लिए लाऊंगा तो उसकी वेशभूषा में थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ कि वो उसकी और हमारे साइड का कुछ मिक्सचर। उसका तो फ्रीडम है, वो चॉइस भी आप नहीं देंगे उसे कि क्या पहने वो, क्या ओढ़े वो आप वो फ्रीडम नहीं देंगे उसे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसकी फ्रीडम छीन रहा हूँ, लेकिन सर अगर प्यार करते हैं तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकती है जब उनसे मिले। तो अब रिश्तों में अगर हम फ्रीडम की बात करने लगेंगे तो सर फिर कैसे चलेंगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कोई फैशन डिजाइनर या कोई दर्जी से ऐसे कपड़े बनाने। नहीं लगता है कि आपको चाहिए कि अपने पेरेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी के खातिर, पेरेंट्स के खातिर अपने प्यार को छोड़ दें? सर अगर दोनों में बैलेंस हो सकता है तो मैं वो ट्राई करूंगा। अगर बैलेंस ना हो पाए तो किसे चुनेंगे आप, अपने प्रेम को या अपने पेरेंट्स को? सर मैं पेरेंट्स को चुनूंगा।